guys, welcome to Girls Republic Live on ARY Music. This is Becks. I hope you guys are doing well. Today is 8th of March, and I'm guessing that you all know what 8th of March is. If not, let me tell you, it's International Women's Day, guys, which is celebrated in the whole world, especially some countries like Afghanistan, Ukraine, and Russia, etc. Here is national. I think official holiday hoti hai, I was just reading it. It's a basically official holiday for women kyunki yahan pe jo hai auraton ke rights ke liye holiday puri inhone ki hui hai jo ki mostly hota hai. It all started in 1908 jab ye pura women's day start hua tha. Kahan se start hua tha hame to history waise pata hoti nahi hai, hum aise hi bolte hain ha it's women's day, we can just, you know, hum jo hai it's our rights and stuff. Aur aage se jo school mein bachcho ko padhaya jis tarah ke obviously history to pata honi chahiye, rich history that is, jis tarah ke hum ye days celebrate kar rahe hote hain, just like women's day. Aur kehte hain na ki ladkiyon ka din hota hai to ladkon ka bhi din hota hai, which is obviously November, jo ki November mein aata hai, jisko mujhe yaad hai ki college mein hum jo isko celebrate karte the, November mein aata hai. It's called November. Why is it called November? It's because it's all about, I think, jo ki bahut hi beard ke style ki mustache and stuff uske related hota hai. But anyways, we're not talking about men's day, it's about women's day. तो आज हम बात करेंगे गर्ल पावर एम्पावरमेंट. तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. कोई आपके राइट्स में कोई ऐसी हर्डल्स आई हो जिस पे वेयर यू जस्ट लाइक ओह माय गॉड इट वाज माय राइट आई कुड हैव डन इट बट यू नो ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आई कुडंट. तो इसके रिलेटेड हम बात कर रहे हैं. फीडबैक मेरे पेज ड्रॉप कर सकते हैं विच इज बेक्स खान. एंड टुडे वी आर गोना बी टेलिंग यू ऑल ऑफ देम वुमेन जिन्होंने अपनी कोई भी जितना प्रोफेशनल करियर में, स्कूल लाइफ में, या कोई ऐसा उन्होंने यू नो जितना कि हम कहते हैं ना मेडल विन करना होता है, जितना स्पोर्ट्स में हो गया, कुछ किसी में भी हो गया, इस तरह हम सिंगर्स के बताएंगे आपको, स्पोर्ट्स में जो हैं उनके बारे में हम बताएंगे. बट एनीवेज वी फॉर कॉल. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ. मुझे आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, बहुत हल्की. प्लीज मेरी आवाज चेक करें. जी आप ठीक है? थोड़ी सी और करें प्लीज, थोड़ी सी और करें. वो बिल्कुल ही हल्की आ रही है मुझे. अब ठीक है? हाँ अब ठीक है. सही, कैसी हो मरियम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. कैसे दिन गुजर रहा है आपका? मेरा अच्छा, मैंने बाल छोटे करवाए. अच्छा क्यों? वो बहुत लंबे हो गए थे. वुमेन्स डे आज, इसलिए नया कुछ करना है. यस. अच्छा सही है. चलें, वुमेन्स डे आज है 8th ऑफ मार्च, तो क्या कहना चाहेंगे आप? वुमेन्स, हम तो कहते हैं कि वुमेन्स तो बहुत ही अजीब ही चीज है, बस ऐसे काम करवाते तो कुछ, यानी लोग कहते हैं ना, लोग, हाँ, कहते, लोग हैं, कहते हैं. हाँ हाँ बोलो. अजीब चीज है, बस इसको काम करवाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ नहीं कर सकती. हालांकि ये वुमेन्स में मैन से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है. हाँ दैट्स ट्रू, क्योंकि जो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं औरतों को कि नहीं औरतें कहाँ से करेंगी, दे जस्ट यू नो घर के काम करें और बाहर का कुछ नहीं, उनके राइट्स नहीं है. लड़कियों को इस वजह से एजुकेशन भी नहीं दी जाती, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस आपके घर पे कोई मेल लिए, फीमेल लिए, तो फिर फीमेल्स बहुत कुछ कर सकती हैं. ये हमें बस लगता ही है कि फीमेल्स तो बहुत ही नाराज ही ऐसे जो कहते हैं कुछ नहीं, लेकिन लाइक दे आर वेरी सेंसिटिव कहते हैं, बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव होती हैं. वो कहते हैं ना फूल, ये जब फूल को देखो ना तो सर काटा भी नजर आता है. वाह जी वाह, क्या बात की है. एग्जैक्टली, रोजेस को हमें ये नहीं समझे बहुत ही खूबसूरत है, उसमें जो है वो भी कांटे भी होते हैं. जी, और अगर फूल को टेस्ट करते हैं तो कांटा भी तो चुभता है ना. That's so true. और ये होता है ना कि कभी अगर जिस तरह के बहुत आपकी कहीं से भी जैसे सोसाइटी आपको प्रेशराइज कर देती है, अगर आपके करियर आपको फॉलो करना होता है लेकिन आप नहीं कर पा कर सकते कुछ रीजंस की वजह से, जिस तरह के अच्छा आप बोले. हाँ मेरी बात खत्म हो गई, अब तुम बोलो. सर तो अब मैं जब कराची नहीं नहीं आई थी, मेरी फ्रेंड मुझे बहुत, मेरी फ्रेंड तो नहीं थी ऑब्वियसली, क्लास में मुझे बहुत अजीब ख्वाब देखती है, ऐसी है वैसी है. नहीं, अच्छा लड़कियां खुद उठ के लड़कियों को कर रही होती हैं. हाँ, ये बहुत गलत बात है भाई. इट्स ऑब्वियसली आप गर्ल पावर होनी चाहिए कि लड़कियां एक दूसरे को कंपटीशन में नहीं लाएं, एक दूसरे को मोटिवेट करें, यू नो. एग्जैक्टली, वरना ये काम तो लड़कों को होता है भाई, लड़कियां कुछ करती हम ही करते हैं, हम ही आगे रहते हैं. एग्जैक्टली, अगर लड़कियां एक दूसरे से कम्पीट करने लगी तो व्हाट्स द पॉइंट, मतलब आपकी वो जो पावरमेंट है वो कहाँ गई फिर. एग्जैक्टली, तो फिर हमें चाहिए कि ना लड़कियां लड़कियों के साथ जरा रहना, एक साथ ही रहे, इतफाक से किसी को वुमेन्स के बारे में कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलेगा, सब डरेंगे यार, ये तो औरत है, बहुत कुछ कर. एग्जैक्टली, ये वुमेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन, क्योंकि हम कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं औरतें, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है सबसे ज्यादा औरतें ही होती हैं. देखें आप, नेस्ले वो जो
वो कैल्शियम वो दूध वाला आया है उसमें भी सब कुछ बता रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा तो मरियम हर किसी के गोल्स होते हैं, अब यहाँ से ऑब्वियसली हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपके क्या गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होंगी आपकी लाइफ में, यू नो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं कि कुछ अचीव नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीजंस। आपने मेरा फ्यूचर सुना था ना उस दिन? फ्यूचर? हाँ जो देख हमारे रहे थे आप? न्यूमरोलॉजिस्ट आए थे शो पे। जी आपने सुन लिया था तो वो देख सकती हैं कि कैसा होगा, कैसा अच्छा गोल होगा अच्छा तो मेरा। वो कल भी आएंगे, तो मेक श्योर कल भी कॉल करके या कोई भी क्वेश्चन ले आना, नोट डाउन कर लेना, कल हमें कॉल करना। अच्छा ठीक ओ वाइटी मरियम, है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बाय बाय। बाय। गाइस टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे एज इट्स 8th ऑफ मार्च, एंड टुडे वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट गर्ल पावर एम्पावरमेंट। सो इफ यू हैव गॉट एनी फीडबैक जस्ट लीव इट ऑन माय फेसबुक पेज, बट आई एम गोना बी गोइंग फॉर ब्रेक गाइस, डू नॉट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग गर्ल्स पब्लिक। Welcome back from the break, guys. You are watching Girls Public. Today is International Women's Day, so that's what we're celebrating today. And as you guys know, ke women's right pe hum jo hain, sometimes you know when we just want to say something in the society, where we just like ki hum koi baat bolna chahte hain, lekin phir bhi chup ho jaate hain. You know, it's like a women figure, and it's like you can't really say what you really feel like and what you really want to say in the society because you're going to be judged. क्योंकि ये होता है ना कि जज किया जाता है कि हाँ भाई ये लड़की बोलेगी बीच में। आई मीन इट्स लाइक ए वेरी नैरो माइंडेड कहते हैं ना कॉन्सेप्ट होता है भाई अपना, यू नीड टू हैव दैट ओपन माइंड बिकॉज ऑब्वियसली आप अगर यू नो जिस तरह के आदमियों के राइट्स होते हैं सेम एज इट गोज फॉर लाइक वुमेन एज वेल, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि यहाँ से ओनली मैन कैन डू इट, ओनली इट्स नॉट लाइक कि उन्हीं पे सारा कुछ बेस्ड है कि या दे कैन गो आउट एंड वर्क एंड अर्न मनी एंड स्टफ एंड कम बैक होम एंड स्टफ लाइक दैट, दे कैन ऑल्सो कुक एंड स्टफ यू नो एट होम, लाइक हाउ गर्ल्स आर लाइक दे डू हाउस वर्क, दे डू एवरीथिंग इन द हाउस एज वेल, कि घर पे भी काम कर रही होती हैं पर बाहर जाके भी जो करियर वाइज में जो होती हैं लड़कियां वो बाहर भी काम करती हैं, जस्ट लाइक व्हेन यू गेट मैरिड घर के भी काम देखने पड़ते हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है, बाहर अगर जो वर्किंग वुमेन है वो भी बाहर जाके काम करती है, इट्स नॉट लाइक कि अ गर्ल कांट डू एनीथिंग, दे कैन एंड दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गेस्ट वन एवर, क्योंकि हम कहते हैं ना कि नहीं औरतें स्ट्रॉन्ग नहीं होती, औरतें होती हैं। एंड एज यू नो इट्स वुमेन्स डे टुडे, वी आर टेकिंग कॉल्स दिस अबाउट, आप कॉल करके हमें बताएंगे कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें, ओर व्हाटएवर मैसेज यू गॉट फॉर लाइक यू नो वुमेन्स डे, तो आप हमारे पेज पे भी ड्रॉप कर सकते हैं विच इज बेक्स खान। एंड आई एम गोना बी मेंशनिंग अ फ्यू नेम्स एज वेल जो कि हमारी कंट्री में बहुत उन्होंने जो है यू नो दे मेड देयर मार्क इन आवर इंडस्ट्री एज वेल, जो कि मीडिया इंडस्ट्री वी टॉकिंग अबाउट, एज वी नो नूर जहां, मैडम नूर जहां, उन्होंने जो अपना शी इज बेसिकली द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान गॉयज, बिकॉज ऑब्वियसली कि हम देखते हैं ना कि बहुत सारे जिस तरह एज यू कैन सी हर पिक्चर ऑन स्क्रीन राइट नाउ कि बहुत ही, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी फेमस सिंगर ऑफ ऑल टाइम गॉयज, शी हैज़ बिन नोन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन कि बहुत सारी जो म्यूजिक में उन्होंने अपना यू नो शी इज़ मेड हर मार्क, और उन्होंने जिस तरह कि अब इंडिया में जाके भी शी इज़ एक्चुअली सॉन्ग वेरी ब्यूटिफुली। बट एनी वेज हम दूसरे अपने आर्टिस्ट पे आते हैं जो हमारे जो टॉप आई थिंक अभी हमारे पास टॉप फाइव सिंगर्स हैं, नाजिया हसन वी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, उन्होंने भी जो है अपना बहुत ही शी इज़ मेड हर मार्क, एंड एज वी नो शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी फेमस सिंगर, उन्होंने अपना बहुत ही पॉप म्यूजिक में यू नो शी इज़ एक्चुअली डन रियली वेल, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल पॉप सिंगर ऑफ आवर इंडस्ट्री, फर्स्ट फीमेल पॉप सिंगर गॉइज, हम कहते हैं ना कि वी वांट टू बी द पॉप सिंगर एंड स्टफ, और जिस तरह कि यहाँ हमारी कंट्री में जिस तरह बाहर होता है इंडिया में और हॉलीवुड कुड बी लाइक बाहर भी इस तरह के होते हैं ना कि जिस तरह के विट हो गए माइकल जैक्सन, ओ माय गॉश ही इज द किंग ऑफ पॉप जिस तरह कहते हैं। लेट्स जस्ट कम ऑन टू अवर थर्ड वन, जो हमारी थर्ड फीमेल सिंगर हैं फरिया परवेज गॉयज, और सारी हमारे पास पूरी फीमेल बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वुमेन्स डे, फरिया परवेज इज वन ऑफ द लीडिंग फीमेल सिंगर्स ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियसली दिस ब्यूटीफुल लेडी स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम होस्टिंग शो ऑन पीटीवी गॉयज, ओ माय गॉड उन्होंने शो होस्ट किया पीटीवी से स्टार्ट किया, एंड हर एल्बम पतंगबाज जो उनकी एल्बम है जो बहुत ही आई थिंक बहुत सुपर हिट थी ऑब्वियसली, एंड फरिया परवेज वॉज द वन ऑफ द मोस्ट amazing and talented singer of our country. Aur fourth bhi karna hai humne, fourth hamare paas hain Hadiya Kayani guys, and as we know ki hamari jo hai bahut hi unhone acche songs aur unki the way she performances and stuff absolutely outstanding guys, unhone bahut sare, she's won so many awards as well, so that's that guys, aur jis tarah ki hum kehte hain na ki औरतें कुछ नहीं कर सकती, वो इन म्यूजिक इंडस्ट्री एज वेल, जिस तरह की कहते हैं हम कोई टॉक हो रहा होता है जिस तरह के ऑब्वियसली अब आपको पता है कि वुमेन्स डे पे मार्चेस भी हो रही होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली जो कि अभी मैंने पढ़ा था कि यूके में 8th ऑफ मार्च बहुत ही एक
march hoti hai, march as in, you know, rally kind of thing where women, they just come out. And I think 11,000 ke pata nahi 8,000 log ladkiyan jo hain us din nikli hoti hain, jis din aaj ke din jo wahan par march ho rahi thi. Anyways, wahan pe call hai. Hello. Hello. Ji, assalam alaikum Musfira, kaisi ho? Main theek hoon, aap kaisi hain? Main bhi theek hoon Musfira. Kaisa din guzar raha hai? बहुत अच्छा गुजर रहा है. आज मेरा बहुत आसान पेपर था, इसकी बहुत बहुत अच्छा गुजर रहा है. अच्छा, कौन सा पेपर था? कंप्यूटर. अच्छा, होता है ना कि लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें जिस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं. एज वी टॉकिंग अबाउट वुमेंस डे, क्योंकि आज वुमेंस डे है मुस्फरा, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? कि जिस तरह के राइट्स पे हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है, हमारी जिस तरह के यू नो कंट्री फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं. यस, क्योंकि जैसे अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया ना. एक तो इस्लाम की वजह से भी बहुत चेंज हो गया है. और जैसे क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, वो तो है ही मेन मेल ओरिएंटेड कंट्री. और इसलिए, लेकिन मैं कहती हूँ वुमेंस को राइट देना चाहिए. और हमारी फैमिली में तो होता ही है कि ज़्यादा बात जो सुनी जाती है वो सुनी लड़कियों की जाती है. exactly. उनसे पूछ के ही सब कुछ होता है. तो इसी तरह होना चाहिए. लेकिन आज भी हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट हुआ था, पेपर से ज़्यादा गुस्सा भी चढ़ रहा था, मगर अच्छा भी लगा. और इसी तरह होना चाहिए. अच्छा, तो आप लोगों के स्कूल्स में होता है कि कोई जिस तरह कहते हैं ना, कोई इवेंट हो या डिबेट हो, जिस तरह कि आज जो है वुमेन्स डे, तो कोई डिबेट की किसी ने? जी, डिबेट की थी टीचर्स ने. और जब लोग हुआ था, एक फंक्शन हुआ था. फंक्शन भी हुआ था, गिफ्ट मिले थे, इस तरह हुआ था. और बहुत अच्छा भी लगा था, बहुत स्वीट था और बहुत अच्छा था. Obviously, oh, why thi. Haan, to yehi hota hai na ki aapke jo hai surrounding mein pura Women's Day celebrate kiya. It actually feels really nice. But anyways, thank you for calling us. It was nice talking to you. Guys, today we're talking about, as it's Women's Day, we're celebrating Women's Day. Aur jo koi bhi feedback mein page pe rakhoge, for I'm going to be going for a break. Don't go anywhere, keep watching Girls Topic. Me and my girls. Welcome back from the break, guys. You are watching Girls Republic. Today is Women's Day, guys. So obviously, आप कॉल कर सकते हैं. As this is a girls show, so obviously only girls can call us. जो मुझे मैसेज अभी आए थे, only girls can just call us live on the show. And if you're a guy, you can just leave your message on my Facebook page. अगर आपको कोई women empowerment के लिए जिस तरह होता है कि लड़कों के भी views लेने चाहिए, what do they think about it? जिस तरह कि since we are celebrating Women's Day, same goes for men as well, because there's Men Day as well, Men's Day. जो कि होता है कि आदमियों का दिन होता है, विच इज़ इन नवंबर, और हमारा जो है मार्च में आता है. अब जो हमारा है, इट्स बिन लाइक गोइंग ऑन फॉर लाइक एजेस, मतलब बहुत ही सालों से चलता आ रहा है. जैसे मैंने आपको फर्स्ट थिंग में आपको बताया कि हाउ इट्स लाइक एंड हाउ इट्स स्टार्टेड, उसकी रूट्स वेयर लाइक यू नो कहाँ से सारा बेसिकली स्टार्ट हुआ. बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन्स डे, गाइस. कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करें. और हमने पहले आप लोगों से शेयर किया था सिंगर्स, जो हमारी कंट्री के जो टॉप 4 सिंगर्स थे, उनके बारे में हमने आपको बताया हाउ दे एक्चुअली मेड देयर मार्क इन आवर इंडस्ट्री एंड हाउ देयर म्यूजिक एक्चुअली चेंज्ड अस. म्यूजिक ऐसा होता है कि इट एक्चुअली सेंड्स आउट अ मैसेज. जैसा कि हम जो मुझे पता है कि दो तीन एक सॉन्ग्स हैं जो हमने व्हेन आई वाज इन कॉलेज वी जस्ट एक्चुअली प्रिपेयर्ड देम, लाइक प्रैक्टिस पूरी की और हमने कहा कि हम परफॉर्म करेंगे. एंड दैट सॉन्ग वाज आई थिंक 1906 में. अब आई एम गोना हैव टू चेक, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू गिव आउट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. अरेथा फ्रैंकलिन जो उसका नाम है, उसने लेट मी जस्ट चेक, 1967 का जो एक सॉन्ग है अरेथा फ्रैंकलिन, गाइस रिस्पेक्ट उस सॉन्ग का नाम है. अगर आप जस्ट गूगल इट, तो उस सॉन्ग को अगर आप सुने, ओ माय गॉड, उसमें इतनी मैंने प्रैक्टिस की थी, क्योंकि वी हैड टू परफॉर्म फॉर वुमेन्स डे इन कॉलेज. तो हमने ये बहुत ही हुआ था कि हमें जिस तरह सिंगर्स सॉन्ग्स देते हैं, जैसे हमारी कंट्री के उन्होंने भी सॉन्ग्स दिए, एक्चुअली जो सॉन्ग्स होते हैं हमेशा रहते हैं. एनीवेज, हमारे जो दूसरे प्रोफेशन हैं, जो लड़कियां जो चाहती हैं कि हम प्रेफर मतलब परस्यू करें आगे जाके, जो सारे स्पोर्ट्स में बहुत सारे आ जाते हैं. स्पोर्ट्स के मैं नाम मेंशन करूंगी, जो कि फनामगढ़ भी ठोके में. अच्छा, क्रिकेट का स्टार्ट करना है या फिर क्रिकेट का मैं बताती जाऊँ. सना मीर जिन्होंने, शी इज़ द फेस ऑफ वुमेन क्रिकेट इन पाकिस्तान, जो उन्होंने क्रिकेट हमारी जो वुमेन क्रिकेट है उनमें जो सना मीर ने, इज द लेजेंडरी. शी वॉज जस्ट 5 years old व्हेन शी डिस्कवर्ड हर पैशन. जो सिर्फ 5 साल की थी उन्होंने अपना डिस्कवर किया कि उनको क्रिकेट में. अब क्रिकेट की जो बात आती है कि लड़कियों को क्रिकेट का शौक होता है. अब जब व्हेन यू सी किड्स प्लेइंग आउटसाइड, अगर कोई एक इफ़ देयर इज दिस गर्ल शी जस्ट गोज आउट और जाके वो बात करते हैं कि हमें भी खेलना है, एंड देम गॉयज़ आर जस्ट टायरिंग कि अच्छा लड़कियाँ क्रिकेट कैसे खेलेंगी. गर्ल्स कैन ऑब्वियसली प्ले क्रिकेट. और सना मीर ने जो है क्रिकेट में, शी इज़ मेड हर मार्क ऑब्वियसली. और समीना बेग की हम बात करेंगे, टर्निंग अ चाइल्डहुड फैंटेसी
जिन्होंने मुस्लिम वुमेन में जो फीमेल समीना बेग ने बहुत ही ये भी आई थिंक क्रिकेट में शी वाज इन क्रिकेट एज वेल. जिस तरह कि हम लड़कियों को कहते हैं नहीं क्रिकेट को एज अ करियर नहीं लेकर जाना चाहिए, बहुत ही इस पर ऑब्वियसली सोसाइटी टॉक्स राइट. अब इसमें आपको ये करना है वुमेंस डे, सिंस इट्स वुमेंस डे और हम इस पर कहते हैं ना कि हम अपने राइट्स के लिए बोले हैं, हम दैट्स व्हाई रैलीज और मार्चेस और ये सारा टॉक हो रही होती है इवेंट्स में, कॉन्फ्रेंसेज एंड स्टफ, दैट्स जस्ट व्हाट्स गोइंग ऑन. डिबेट हो रही होती है कि औरतें क्या क्या कर सकती हैं और क्या सोसाइटी अलाउड नहीं करती, स्पेशली इन आवर कंट्री एज वी आर इन अ मुस्लिम कंट्री. हमें जो है बहुत ही यू नो पीपल टेंड टू बी लाइक ओके वुमेन शुड बी डूइंग दिस. एनीवेज क्रिकेट में जो हमारे साथ एक और भी हैं हाजरा खान, शी इज ओनली 14. उन्होंने अपनी जो है शी इज एक्चुअली मेड अ मार्क आउटसाइड ऑफ. अच्छा हाजरा का अलग प्रोफेशन है, हाजरा का क्या प्रोफेशन है? अच्छा जी फुटबॉल की हैं. फुटबॉल की जब बात आती है आई एम जस्ट लाइक क्रेजीस्ट फैन ऑफ फुटबॉल, क्योंकि कहते हैं ना कि क्रिकेट होता है, मैं मुझ में ऐसा है कि मैं आई जस्ट डोंट रियली प्रेफर क्रिकेट. अब डिपेंड करता है इफ यू लाइक यू नो इफ यू इनटू क्रिकेट इट्स फाइन बिकॉज ऑब्वियसली यू शुड बी लाइक जजिंग पीपल व्हाट काइंड ऑफ गेम दे प्रेफर टू प्ले. बट शी इज हाजरा खान, शी इज ओनली 14 गॉयज. और कहते हैं ना कि एज मैटर नहीं करती, इट्स अबाउट योर टैलेंट कि आप में क्या टैलेंट है, आप क्या कॉन्कर करना चाहते हैं. यानी एंड जस्ट आई वी नो कि गर्ल्स कैन कॉन्कर द वर्ल्ड बट देन एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरह की एक लाइन आई हुई है बहुत ही बहुत फेमस लाइन है कि गर्ल्स रूल द वर्ल्ड. अब लड़कियां कहती हैं कि हाँ लड़कियां जो है रूल करती हैं वर्ल्ड, बट आई थिंक जो गॉयज होते हैं वो कहते हैं कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि आदमियों पे ये दुनिया चल रही है. बट आई डोंट नो, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट. अगर इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग डिबेट हो जाएगी. एनीवेज एज वी नो कि बहुत सारे करियर आ जाते हैं जिसमें कि स्पोर्ट्स आता है, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट की मैं बात करूँगी. जिस तरह कि आजकल हमने देखा है कि लड़कियां मैनेज करने निकली हुई हैं कि इवेंट मैनेज कर रही होती है, वेडिंग हो गया, वेडिंग सीजन जिस तरह चल रहा होता है और बहुत सारे जिस तरह के ओकेजन आते हैं जिस पर वे यू जस्ट थिंकिंग कि अच्छा ये इवेंट किसने मैनेज किया. अब आई नो वन थिंग, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो कि मुझे सेट पर किसी ने बताई थी कि बहुत ही अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एंड वन पीपल जस्ट वॉक्ड इन दे वर लाइक अच्छा कौन है, हु इज दैट गॉय. उन्होंने कहा कौन आदमी जिसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया एंड देन द ओनर्स दे जस्ट टर्न आउट दे वंस लाइक ओह इट वाज अ गर्ल नॉट अ गॉय. तो ये होता है ना कि अब अच्छा काम लड़कियां भी कर सकती हैं, अगर आप मेहनत करो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. अब लड़कियों को लगता है कि हम अगर होता है ना कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें ऑब्वियसली पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है कि ओके व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट, कि हमारा डिसीजन सही है या नहीं सही. ऑब्वियसली यू नीड elderly advice by the way. अगर आपको लग रहा है कि आपको such as if you want to go for cricket as a career, तो आपकी जो family की जो motivation होती है that's what you need. अब society तो you know they are going to talk but it's what counts, what basically counts is your parents advice obviously. But today it's Women's Day guys, आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं. For now I'm going to be going for a break. Do not go anywhere, keep watching Girls Public. Welcome back from the break guys, you are watching Girls Public. Today is Women's Day और जो है हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं. कॉल करके हमें बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट दैट इज इन गर्ल पावर बेसिकली बिकॉज दिस इज अ गर्ल्स रिपब्लिक शो एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी हैप्पी काइंड ऑफ फीलिंग व्हेयर यू जस्ट थिंकिंग ओके इट्स वुमेन्स डे, वी कैन लाइक एक्चुअली कॉन्कर द वर्ल्ड. बट एनीवेज फीडबैक मेरे पेज पर आप करें विच रिस्पेक्ट खान और जो है आप लोगों के जो टॉपिक के रिलेटेड मुझे मैसेज आया, टॉपिक नहीं जो आज हमारा जो वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके बारे में आपके जो मैसेज आए विच आई एम गोना रीड इट आउट आफ्टर दिस कॉल. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? अरीशा लाहौर से. अरीशा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. अरीशा पहली बार तो कॉलिंग की आपने? नहीं, काफी दफा कॉल की. अच्छा सही है, ये बताओ क्या करती हो, मुझे थोड़ा बहुत रिमाइंड तो करो, मुझे याद ही नहीं रहता. मैं स्टूडेंट हूँ, मैं वही हूँ जो इसको राइटिंग का शौक था. हाँ राइटिंग का सही. अच्छा अरीशा इट्स ऑब्वियसली वुमेन्स डे आज है तो आपको क्या लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट का कितना हमारी कंट्री में अगर हम बात करें, ऑब्वियसली वी इन पाकिस्तान तो हमारी कंट्री में व्हाट डू यू थिंक कि वुमेन्स राइट जो हैं इतने हैं हमें राइट्स या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज जैसे भी मैं लिखती हूँ ना तो अभी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं काफ़ी लोग के इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा है आगे जाके, वो खाना ही तो पकाना है, तो यहाँ पर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है. एग्जैक्टली वो बस कहते हैं कि आपने क्या करियर में करना है, आप बस शादी करो जाओ घर दूसरे, यही होता है यहाँ पे बेसिक, यही है सारा. लेकिन आजकल रिसेंटली काफी चेंज आया है पाकिस्तान में. एग्जैक्टली यू सी वर्किंग वुमेन और वो काम भी कर रही होती हैं लेकिन मैनेजिंग देयर लाइफ एज वेल. कुछ लोग होता है कहते हैं ना कि 50% जो है गुड साइड होता है 50% बैड होता है. अब हर जगह जो है परफेक्शन तो हमें नजर आनी आने से रही,
कुछ लोग बात करते हैं कि नहीं ये सही नहीं है औरतों के लिए, कुछ लोग बात करते हैं कि हाँ ऑब्वियसली औरतों को काम करना चाहिए। नहीं जैसे आप अभी स्ट्रॉन्ग वुमन के बारे में बात कर रहे थे ना कि दैट वो अपने करियर में कैसे आगे पहुंची, उनमें एक नादिया हुसैन जो मॉडल है वो भी आ सकती हैं बिकॉज उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ में इतनी नादिया हुसैन करियर अपने करियर भी अच्छा हर किसी की लाइफ में ना इंस्पिरेशन होती हैं, तो अरीशा आपकी लाइफ में कौन सी इंस्पिरेशन है, किससे इंस्पायर होती हो आप? जो भी कोई अच्छी कोई भी लगता है मुझे अच्छी कोई पर्सनालिटी हो जिससे कोई तो व्हाट डू यू थिंक आपके क्या एम्बिशंस हैं, क्या आपको फ्यूचर में करना है, क्या गोल्स क्या है? राइटर तो राइटर ही है ना, तो कोई ऑप्शनल कोई और दूसरा कोई ऑप्शन हो? हाँ वो है लेकिन मोस्टली लोग उस पर हंसते हैं। अच्छा तो फिर आप क्या मैसेज ऐसे देने चाहती हो जो लोग आपको बोलते हैं कि आप राइटर नहीं, या कोई भी जिस तरह की लड़की किसी को स्पोर्ट्स में जाना है तो उन पे लोग बातें करते हैं, तो क्या ऐसा मैसेज देना चाहोगे आप उनको? एक बात तो ये कि अगर उनको वो राइटर्स के खिलाफ है ना फीमेल राइटर्स के, तो उनको ड्रामे नहीं देखने चाहिए बिकॉज वो सारी फीमेल राइटर्स ही लिखती है, हाँ तो जस्ट तो अगर अगर वो मुझे राइटिंग से रोकेंगे तो आगे जाके अगर इफ आई गेट टू बी अ गुड राइटर तो वो आगे जाके हमारे पाकिस्तान को उस टाइप के अच्छे ड्रामा सीरियल नॉवेल्स नहीं मिल पाएंगे अगर आप किसी को स्टॉप करेंगे। That is so true. That is so true. Thank you for calling, Arisha. It was nice talking to you. You can also call us live because we're saying live here. And also taking your messages as well. Since we were talking about बहुत सारे हमने जो personalities के we just name them, बहुत सारे जैसा कि होता है ना कि हम देखते हैं कि हमारी country में कौन से mostly where we see कि बहुत सारी personalities होती हैं, they go into like different kind of careers, और हमने बहुत सारे careers देखे हैं कि वो भी होते हैं कि जो बहुत लोग नहीं prefer करते हैं क्योंकि you know people are gonna talk at the end of the day because we're women, और बहुत सारी इस तरह की मूवीज़ भी निकली हैं औरतों पर कि स्टोरीज़ होती हैं। वे आई जस्ट वॉच दिस फिल्म जिसके बारे में बहुत ही लड़कियों पे था कि लड़कियां जो हैं जिस तरह वे ठोके बाद बॉक्सिंग है, जिस तरह के बॉक्सिंग में होता है कि रेसलिंग होता है, इसमें लड़कियों का ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होता है कि नहीं दे कैन नॉट परस्यू दैट एज अ करियर। बहुत सारी फिल्म इस तरह निकली कि लड़कियाँ नहीं कर सकती, तो उसमें दिखाते हैं एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, फेथ होना चाहिए। अगर आप में खुद में फेथ नहीं होगा, बिलीव नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली जो भी आप करिए उसको सिलेक्ट करेंगे कि आपको इसमें करियर, जिस तरह की अभी अरीशा बताया उनको राइटर में इंटरेस्ट है, तो अगर वो लोगों की जिस तरह के फॉर इंस्टेंस अगर आप बातें सुनते रहोगे कि आपको they're going to try to bring you down and they're going to try to change your thinking and your decisions, so obviously aap jo hai unko zyada right de rahe ho logon ko baat karne ke liye aapke decision pe, because at the end of the day you want to live your life, you want to be what you want to be, aur aapke sath jo hai saari zindagi, kehte hai na ki har koi saari zindagi saath nahi rehta, to obviously aapko wo karna chahiye jo whatever you prefer to be in your life, you know ke agar jis tarah main chahun ki mujhe kuch karna hai life mein, mere ambitions ho, mujhe mere goals ho, aur main jo hai wo chhod dun karna, fir main bolu nahi किसी और ने कहा था, अब वो लाइफ में भाई है ही नहीं, वो कोई ऐसे ही कोई था इंसान आते चले, जिस तरह के नहीं वी जस्ट वॉकिंग डाउन द रोड लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, सीधा आपकी लाइफ में लोग आते जाते हैं, इट्स नॉट लाइक कि परमानेंट कुछ लोग होते हैं, यू नो दे जस्ट स्टे इन योर लाइफ इन योर हार्ट एंड इन योर माइंड एंड यू जस्ट आई गेस दिस पर्सन वाज लाइक यू नो रहते हैं या नहीं रहते हैं, उनकी बातें बस माइंड में रह जाती हैं कुछ लोगों की, जिस तरह की हमारी जो है पीपल कम एंड पीपल लीव हाउ दे यू नो, जिस तरह की obviously this is part of life guys, you die at the end of the day, kyun na aapko live every day as it's your last day, ye nahi ki hum bolein ki hum ye nahi karna chahe, because obviously you don't want to look back in 5 years and you don't want to regret, ki ladkiyon ko hota na mostly regret karti hain ki agar koi decision nahi leti hain, just for instance agar aapko jo hai if you want to be a makeup artist for instance, agar if you want to be a writer, if you want to be a painter, if you want to do sketching and stuff, or isi tarah ka hota hai ki if you just want to plan an event and stuff like that, architecture mein bhi bahut sara hota hai कि कंस्ट्रक्शन और ये सारा कुछ आ जाता है जिसमें लड़कियों को कहते हैं कि, और जस्ट लाइक इंटीरियर डिज़ाइनर, आजकल हमारी कंट्री में भी इतने सारे इंटीरियर डिज़ाइनर फीमेल इंटीरियर डिज़ाइनर्स आए हुए हैं, और यू नो फैशन डिज़ाइनर्स, और इसमें सारे जो हैं बहुत सारे करियर्स आ जाते हैं जिसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स जहाँ नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आप स्ट्रगल नहीं करोगे, तो आपको वो जो वर्थ जो नज़र आती है वो फिर आपको यू नो यू नॉट गोना बी एबल टू बी लाइक ओह दिस इज़ व्हाट अचीव्ड एंड लाइक यू नो आई स्ट्रगल सो मच, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे अचीव्ड व्हाट आई वांट टू बी,
obviously you have to believe in yourself, guys, as this is Women's Day. You know, just spend this day with your friends, your family, your mother especially, and your sisters as well. Tomorrow we're going to be having Mustafa Elahi hamare sath show par honge, numerologist. Agar aapko koi bhi question karna hai, kal hame call kar sakte hain, same time which is 4 o'clock, guys. Aur agar repeated show dekhna hai, raat ko aap around 2 ish de sakte hain. Aur koi bhi feedback ho, mere page pe drop karein aur ARY Music ke page pe drop kar sakte hain. For now, I'm going to be signing off, you guys. Take care of yourself and I'll see you later.